एवरीवन, मैं हूं राज। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्थान भाई राज सर में। दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th के इंग्लिश लिटरेचर बुक का थर्ड चैप्टर गिल्लू का क्वेश्चन आंसर। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन आंसर देखना शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन हम लोग डील करने जा रहे हैं बी वन का डील करने जा रहे हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। तो चलिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, हाउ डिड गिल्लू सस्टेन टू वुंड्स। गिल्लू कैसे दो घाव सस्टेन कर रहा था, गिल्लू को कैसे दो घाव हुआ था। तो दो कौवों ने उस पर अटैक किया था जिसके कारण गिल्लू को दो घाव हुए थे। इसी बात को लिख देंगे, गिल्लू सस्टेन वुंड्स ड्यू टू द असॉल्ट बाय द पेयर ऑफ क्रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर टू, हु स्टार्टेड कॉलिंग द टाइनी बेबी स्क्विरल एज गिल्लू। गिल्लू को ये टाइनी बेबी स्क्विरल जो छोटी गिलहरी थी उसको किसने गिल्लू कहना शुरू किया था। तो महादेवी वर्मा मतलब कि राइटर के घर में जो भी लोग रहते थे उन लोगों ने मिलकर के छोटा जो स्क्विरल था, बेबी स्क्विरल था, उसको गिल्लू कहना शुरू किया था। इसी बात को लिखते हैं कि हम लोग पीपल एट राइटर्स हाउस स्टार्टेड कॉलिंग द टाइनी बेबी स्क्विरल एज गिल्लू। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ। विच ऑइंटमेंट वॉज अप्लाइड ऑन द वुंड्स ऑफ द टाइनी बेबी स्क्विरल। टाइनी बेबी स्क्विरल छोटी जो गिलहरी थी उसके घाव पे कौन सा मरहम लगाया गया था। तो हमने एक्सप्लेनेशन में पढ़ा था कि इट वॉज पेनिसिलिन ऑइंटमेंट। तो इसी को लिख देंगे हम लोग, इट वॉज पेनिसिलिन ऑइंटमेंट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, वॉट डज द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कॉमन टू प्रॉपर नाउन इम्प्लाई। What difference does a name make? ये जो क्वेश्चन है वो लिटरेचर का क्वेश्चन कम और ग्रामर का क्वेश्चन ज्यादा है। ये लिटरेचर का क्वेश्चन कम और ग्रामर का क्वेश्चन ज्यादा है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन में ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब है और क्या एक नाम क्या डिफरेंस लाता है। तो यहाँ पे हमने आंसर दिया है कि जब कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन में कन्वर्जन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इसका मतलब ये है कि किसी व्यक्ति का हम नामकरण करते हैं ताकि उसको सेम ग्रुप में हम अलग तरीके से पहचान सके। और उसी को आगे लिखा है हमने कि एक नाम का इस्तेमाल किसी इंडिविजुअल को दूसरों से अलग करने के लिए हम लोग करते हैं। तो इसी बात को हमने इंग्लिश में लिखा है इसका आंसर के रूप में, द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कॉमन नाउन टू प्रॉपर नाउन मीन्स to name an individual to identify from the group. A name differentiate an individual from others. चलिए अब देखते हैं सेक्शन बी टू का आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। ये भी ब्रीफ क्वेश्चन का सेक्शन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, हाउ वुड गिल्लू इन्फॉर्म दैट ही वॉज हंग्री। गिल्लू कैसे सूचित करता था कि वो भूखा है। तो उसका गिल्लू को जब भूख लगती थी तो वो चिक चिक की आवाज निकालता था और इससे इन्फॉर्म करता था कि वो उसको भूख लगी है। तो इसी को हम लोग लिख रहे हैं, बाय ट्विटरिंग चिक चिक गिल्लू वुड इन्फॉर्म दैट ही वॉज हंग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट प्रॉम्प्टेड द नरेटर टू सेट गिल्लू फ्री। नरेटर को किस कारण से गिल्लू को आजाद करने की सूझी। तो नरेटर जब उसको खिड़की के पास बैठ करके और प्यार से बाहर की दुनिया में झांकते हुए देखता था तो नरेटर को ऐसा लगता था कि अब इसको आजाद कर देना चाहिए और इसलिए नरेटर ने उसको फ्री किया था। तो इसी को लिखेंगे, सीइंग गिल्लू सिटिंग नियर द विंडो एंड अफेक्शनेटली पियरिंग एट द वर्ल्ड आउटसाइड मेड द नरेटर रियलाइज दैट इट वॉज नेसेसरी टू सेट हिम फ्री। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री, What is the lifespan of squirrels? गिलहरियों का जिंदगी कितना समय का होता है। तो एक गिलहरी की जिंदगी 2 साल की होती है, इसी को लिखते हैं squirrels have a lifespan of 2 years. अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर, What was गिल्लू's favorite food? गिल्लू का पसंदीदा भोजन क्या था। तो गिल्लू का पसंदीदा भोजन काजू था, इसको लिखेंगे काजू was गिल्लू's favorite food. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव, When was his swing taken off? गिल्लू का झूला कब उतार दिया गया। तो जब गिल्लू मर गया था, गिल्लू के मृत्यु के बाद उसका झूला उतार दिया गया था, इसी को लिखेंगे The swing was taken off after गिल्लूज डेथ।
तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और उसके बगल में बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। थैंक यू।